अमातुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक की वीडियो आती है और वो कहते हैं कि ये सरकार कल को हमारी टोपी निकलवाएगी, बुरखा निकलवाएगी और हमारा अजान तक नहीं होने देगी। तो क्या ये दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों पे मार रहे हैं। अब पुलिस वाले पिटेंगे तो है नहीं, उल्टा कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देंगे ही। लेफ्ट क्या करता है कि देश में अगर कोई भी पावर चाहिए तो स्टूडेंट्स चाहिए उसमें। स्टूडेंट सपोर्ट के बिना देश में कोई रेवोल्यूशन नहीं होता। तो ये नो सर, स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, उनका अपना शिकार बनाते हैं और उनको यूज करते हैं। तो ये अभी वही हो रहा है कि इसको कमलाइज करके रोटी सेक रहे हैं अपनी। सर, दंगाई को अपने साथ बॉडीगार्ड में मत रखिए ना, आप दिल्ली पुलिस को हटा दीजिए, उसके बाद आप वर्क करके दिखाइए। मैं तो कहता हूँ इन जयचंदों को जेल में जल्दी डाले सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। लगातार जो सीएबी को लेके जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, आज वो विरोध प्रदर्शन आपको जामिया में दिखने को मिला और इतना मतलब इतना बुरी तरीके से विरोध किया गया कि बसों को जलाया गया, पुलिस वालों को पत्थरों से मारा गया और यहाँ तक कि हमारे प्यारे प्यारे मासूम छात्र जिनके लिए हमारे ह्यूमन राइट्स वाले रोते हैं, वो पेट्रोल बम का प्रयोग करते हुए तक दिखे, पेट्रोल बम की बोतलें तक दिखती हैं। तो आखिर ये सारी चीजें इनके पास आती कहाँ है? और अमातुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक की वीडियो आती है और वो कहते हैं कि ये सरकार कल को हमारी टोपी निकलवाएगी, बुरखा निकलवाएगी और हमारा अजान तक नहीं होने देगी। तो क्या ये दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? मनीष सिसोदिया वीडियो ट्वीट करते हैं कि पुलिस वाले बसों में आग लगा रहे हैं। अब पुलिस वाले दंगाई हो चुके हैं इस देश में और पुलिस वालों का काम रक्षा करने की जगह दंगा करना हो चुका है, ऐसा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। तो जनता जनार्दन से जानेंगे कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जो रवैया है उसको जनता किस तरीके से देखती है और जो हमारे प्यारे प्यारे छात्र हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। सर, ऐसे छात्र होते हैं पत्थर मारना, बस में आग लगा देना, बड़ी मुश्किल से लोग बसों में से बचे। सर, ऐसे अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन इट हैज़ टू बी पीसफुल, उसमें पथराव की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसमें आगजनी की, बसें जला दो, मोटर जला दो, रेलवे ट्रैक जाम कर दो, ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं आता है। ये चीज़ें होती हैं मगर हमारे नेताओं का तो काम होता है ना शांति करना। आम आदमी पार्टी इसमें चिंगारी, आग, कोयला, पेट्रोल सब डालने की कोशिश हो रही है। मनीष सिसोदिया से लेकर अमातुल्ला खान तक वो कहते हैं कि टोपियां निकाल लेंगे मोदी हमारे। सर, ये मैंने सुना नहीं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, जो चीज़ मैंने सुनी नहीं। हाँ, ये है कि पॉलिटिकल ये उसमें लोग पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग उसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग दंगा भड़का के पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। वो जामिया का रिलीज जो प्रेस रिलीज है उसमें साफ तौर से ये बताया गया है जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं वो जामिया का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने हमारे ऊपर कार्रवाई किया। एक तौर से जामिया सीधा तौर पर बोल रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, तो हॉस्टल में क्या कर रहे हैं वो लोग? हम अपने बच्चों को कल यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेजेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी ना देंगे, हम पढ़ने के लिए भेजेंगे यहाँ पर। आप कह रहे हैं छात्र बनाने भेजेंगे कि दंगाई बनाने भेजेंगे? दंगाई है ये तो, दंगाई है। दूसरा गोधरा चाह रहे थे क्या कि बसों में आग लगा के दूसरा गोधरा? सर, पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? पहले बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ एक गलती है कि नॉलेज नहीं दी लोगों को उस चीज़ पे, नॉलेज नहीं दी। स्टूडेंट्स होके ऐसा कर रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता वो स्टूडेंट्स थे कहीं से भी। आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों पे मार रहे हैं, अब पुलिस वाले पिटेंगे तो है नहीं, उल्टा कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देंगे ही। फिर जो पिटे हैं फिर उन पे राजनीति करने लगे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनकी राजनीति शुरू। अमातुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक ओखला से, वो बकायदा उनका वीडियो आया उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी तुम्हारी टोपियां निकलवा लेगा, बुरखे निकलवा लेगा, अजान तक बंद करवा देगा। तो ये किसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? सर, ये लोग हैं गवार लोग, सीधी बात है, ये लोग हैं गवार, इनको बस अपनी पॉलिटिक्स से मतलब है। दिल्ली जले तो जले, उन्हें कुछ मतलब नहीं, बच्चे मरे तो मरे, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। मेन बात ये है कि बच्चों की उस पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये स्टूडेंट्स। सर, ये क्या करने की कोशिश हो रही है? पेट्रोल बम लेके आना, अमातुल्ला खान को देखिए कह रहा हमारी टोपियां, अजान, बुरखे सब बंद। मनीष सिसोदिया देखिए, अमानतुल्ला खान हो, मनीष सिसोदिया, कहीं ना कहीं इन लोग भड़का रहा है, आग जलाने का काम कर रहा है। एक तरफ तो अब नॉर्थ ईस्ट में देखो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी भड़का रहा है, बंगाल में दीदी भड़का रहा है और यहाँ पे केजरीवाल सरकार भड़का रहा है, आग लगाने का काम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ इन जयचंदों को जेल में जल्दी डाले सरकार। और कुछ दिन पहले पर्यावरण आपका पर्यावरण मंत्री हो,
उन्होंने भी गलत बयान दिया था, जे शब जलने से यहाँ हिंदू शब जलने से अलग चाहे चांदनी चौक हो चाहे अब जामिया हो, सर आम आदमी पार्टी का हाथ क्यों आ रहा है? क्या मुस्लिम वोट से डर गए हैं? अपने मुस्लिम वोट अपने पास करने के लिए ये सारी चीजें, सारे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये सब वोट बैंक की। अभी देखिए 1984 दंगे का आरोपी जगदीश टाइकलर अभी अभी इंडिया गेट धरना में पहुंच गए प्रियंका वाड्रा के साथ, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। दिल्ली पुलिस को दंगाई बता रहे मनीष सिसोदिया, अब दिल्ली पुलिस आग लगा रही है बसों में, दंगाई हो चुकी है। सर इनकी सुरक्षा निकाल दीजिए, बता देंगे कि ये क्या है, क्योंकि सर ये इनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं दिल्ली पुलिस, इसलिए आज ये कह पा रहे हैं। सर इनके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है कि इन जैसे लोगों को सिक्योरिटी निकाल दीजिए, उनको बोलिए कि आप जिसमें जी है। कल मंत्री आए, छात्रों का हाल पूछा, 8 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं, करीब करीब 12 पुलिस वाले कम से कम घायल है। 8 पुलिस वाले कभी उनका हाल नहीं पूछते। मानवाधिकार वाले भी हमारे यहाँ आतंकवादी के लिए रोते हैं, दंगाइयों के लिए रोते हैं, मगर सर पुलिस वालों का क्या, सर उनका कोई मानवाधिकार नहीं होता क्या? सर हमारे देश में अपोजिशन पहले ही निकल गया है सर, कोई बचा नहीं है, और जो बच्चे कुचे लोग हैं देशद्रोही लोग हैं जो हमेशा फौजियों पे आरोप करते हैं, पुलिस वालों पे आरोप करते हैं, ये सर वो लोग हैं जो इनको टारगेट करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ इन जैसे लोगों को दूर रखें, जैसे लास्ट टाइम देखा होगा जे एन यू में भी राहुल गांधी पहुँच गए थे, तो इसी तरह से हर जगह ये पहुँच जाते हैं अपने अपने रोटी लेके। तो सर जी पुलिस वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों इनसे नाराज ना हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अक्ल ही नहीं है, इनके बुद्धि नहीं है, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि इनकी आप सिगरेट निकाल लीजिए और उनको बताइए कितनी इंपॉर्टेंट आप लोग हैं। और सर पुलिस आज तक कभी ऐसा गलत काम नहीं किया ना करेगा, इस देश का पुलिस वो व्यक्ति है सर जी, वो पुलिस वाला होता है कि रात को माँ बेटी जो बाहर निकलती है सेफली रहती है, तो उसका रीजन एक ही आदमी है कि देश का पुलिस वाला, तो आप उस पर आरोप कर रहे हो। और जो आम आदमी पार्टी की जो बात कर रहे हैं सर जी, इनका जो आप कल एमएलए की बात कर रहे थे, सर जी ये बंदा कांग्रेस से था, इसने ट्रेनिंग ली पहले से देशद्रोही की, अब ये यहाँ पे आ गया आम आदमी पार्टी में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये ट्रेनिंग मिशन वाला जो काम चल रहा था एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। तो सर एकदम बी क्लियर वाली पॉइंट है कि इकट्ठे आ रहे हैं अपोजिशन वाले, जैसे टीएमसी वाले हो गए, आसाम वाले हो गए, ये सर विपक्ष का एक चेहरा है जो अवेलेबल नहीं है, तो ये देशद्रोही इकट्ठे आ रहे हैं। सर बहुत जल्द चुनाव आने वाला है, दंगा के जरिए सत्ता पाने के इरादे है क्या? सर बिल्कुल सही सर, ये सेम चीज आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी हुआ था सर 2018 में, जब दंगे वाली बात हो गई थी सर लोगों को माइलेज मिला था। और ये लेफ्ट का काम है सर, लेफ्ट क्या करता है कि देश में अगर कोई भी पावर चाहिए तो स्टूडेंट चाहिए उसमें, स्टूडेंट सपोर्ट के बिना देश में कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, तो ये नो सर स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, उनका अपना शिकार बनाते हैं और उनको यूज करते हैं, तो ये अभी वही हो रहा है कि इसको कम्युनलाइज करके रोटी सेक रहे अपनी। सर केजरीवाल मांग कर रहे थे कि पुलिस हमारे अंडर में दे दो, हमारे अंडर में दे दो, अब कह रहे पुलिस ही दंगाई हो चुकी है, तो पुलिस आग लगा रही है, पुलिस हिंसा कर रही है। तो सर जो दंगाई अगर पुलिस को आप कह रहे हैं डिटेल कर रहे हैं, तो फिर तो दंगाई को अपने साथ बॉडीगार्ड में मत रखिए ना, आप दिल्ली पुलिस को हटा दीजिए, उसके बाद आप वर्क करके दिखाइए, आपको अपने घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, तो फिर आप उस समय अपना चेन ऑफ स्कोप हटाएंगे, कहेंगे नहीं हमको पुलिस चाहिए क्योंकि केंद्र हमको नहीं दे रही है। आपको एक बात समझना चाहिए कि ये जेएनयू चाहे प्रोटेस्ट करना किसी का वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट का भी एक अपना तरीका है। ये लोग गांधी के कांग्रेस लोग गांधीवाद के बात करते हैं, गांधी का आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो गांधी ने तो पूरी आज़ादी देश को दिला दी और उन्होंने कभी भी वायलेंट होने का नहीं सोचा, उनका नॉन वायलेंस अपना एक आइडियोलॉजी था उस पर चले, और ये किस तरह की आइडियोलॉजी अपने आने वाले ऑफ जनरेशन को देना चाह रहे हैं? अब्दुल्ला खां कह रहे हैं ये जो सरकार है आपकी टोपियां निकलवा लेगी, बुरखा निकलवा लेगी, यहाँ तक कि अजान बंद करवा देगी, तो ये क्या शांत करने की बात करें या दंगा भड़काने की कोशिश है, किस तरीके की? सर पहले तो हम लोग को जनता को ये समझना चाहिए कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मतलब मेन मकसद क्या है, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें वैसी बातें करनी चाहिए जो जिससे दंगा नहीं भड़के। अब 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, कहाँ पे ऐसा कोई घटना हुआ आप बताइए? चुनाव है सर, उस समय भी चुनाव था जब चांदनी चौक में मंदिर तोड़ा गया था, अब भी चुनाव है और उस समय भी आम आदमी पार्टी का हाथ था उसमें, इसमें भी हाथ आने की आशंका है कि इसमें जितने सबूत आ रहे हैं लगातार, तो ये क्या चुनाव देखकर हो गया या अभी जो कांग्रेस की भीड़ आई थी उससे डर गए कि मुस्लिम वोट वहां ना चला जाए यहां ले आते हैं ये सब कराके? नहीं, ये फैक्ट है कि ये चुनाव है इसलिए ये लोग अपना राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि इन लोग की जो राजनीति है वो कॉन्टेक्स्ट बेसिस राजनीति है। जी सर, आपसे भी ये चीज़ चाहते हैं कि आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपने देखा होगा ट्विटर फेसबुक के वीडियो वायरल हो रही हैं, बस वाला वीडियो तो फेक निकल चुका है जो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था, क्या उस पर माफ़ी मांगेंगे वो? और अमातुल्ला खां का जो बयान है उस पर आपका क्या सोचना है? और ये जो राजनीति है चाहे चांदनी चौक में मंदिर तोड़ना हो, और क्या ये कांग्रेस की जो भीड़ थी इसको देख के डर गए क्या आम आदमी पार्टी
जो अब कहा कि हम मुस्लिम एंगल लाते हैं, यहाँ से वोट लेंगे। क्या ये विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? कैब के नीचे सर तले जो ये सारी चीज़ें चलाई जा रही है, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो कैब को लेके अभी भी कुछ लोगों की आंखें बंद है, उन्हें ये वीडियो शेयर करके उनकी आंखें खोलिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो अभी भी लोग सो रहे हैं उनकी नींद खुल जाए। कुछ लोग सोते बहुत हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।